एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ आकांक्षा हेयर. सो आज का वीडियो है, अगर आप न्यूली मैरिड ब्राइड हैं और आप कैसे मेकअप कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगी. और यू कैन फॉलो द सिंपल स्टेप्स एंड आप ये लुक इजीली अचीव कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक है ये. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. कोई भी लुक स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो. मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के 5 to 10 मिनट्स बाद ही आपको प्राइमर या एलोवेरा जेल यूज़ करना है. तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना का कंसीलर. बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो मैं मेकअप करने से पहले अपने डार्क सर्कल्स को कंसीलर की हेल्प से हाइड करूँगी. और अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है आपके फेस पर, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं. बिकॉज हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम मेकअप अप्लाई करें. बिकॉज हमें काफ़ी टाइम तक मेकअप जो होता है वो वेयर करना पड़ता है अगर आप न्यूली वेड ब्राइड हैं. तो मेरे फेस पर नेल लग गया था तो मुझे रेडनेस हो गई थी, तो मैं उसको भी हाइड करूँगी अपने कंसीलर की हेल्प से. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पॉन्ड्स बीबी प्लस क्रीम इन शेड मीडियम. बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा जो मेकअप है वो इजी एंड सिंपल रहे. यू नो, अगर आप न्यूली वेड हैं तो आपको पूरा दिन तक मेकअप वेयर करना पड़ सकता है बिकॉज गेस्ट वगैरह आते हैं. सो इसलिए मैंने ट्राई किया, मैं लाइट वेट रखूँ अपना मेकअप का जो बेस है, इसलिए मैंने फाउंडेशन की जगह पर बीबी क्रीम यूज़ की है. मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पर. अगर आपके पास ब्रश नहीं है देन आप अपने हाथ से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से ब्लेंड करना है अपने हेयर लाइन पर, ईयर पर और नेक पर. आप मत भूल जाना उसको ब्लेंड करना. बिकॉज क्या होता है, मोस्टली हम सिर्फ अपने फेस पर अप्लाई करते हैं और वो अलग से ही मेकअप लगता है, लाइक अनइवन स्किन लगती है हमारी. सो आप मेकअप करते टाइम ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें अगर आपको अपना लुक नेचुरल दिखाना है तो. नेक्स्ट मैं मेबलिन के प्रेस पाउडर से अपना जो बीबी क्रीम अप्लाई की है और कंसीलर उसको सेट कर लूँगी. और आपको प्रेस पाउडर इसलिए अप्लाई करना है, इससे आपकी जो स्वेटिंग है वो कम होगी और जो आपका जो बीबी क्रीम ऑयली लुक देता है वो मैटे फिनिश हो जाएगा. सो इसलिए आपने प्रेस पाउडर अप्लाई करना है, या जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये ब्लैक आई शेडो टू फिल माई आईब्रोज. सो आपके पास अगर कोई भी आई शेडो पैलेट में हमारी आईब्रो से सेम कलर मैच करता हुआ होता ही है हर आई शेडो पैलेट में, तो आप उससे भी अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं. आईब्रोज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे आई मेकअप पर. और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्रांजिशन शेड एंड मैं अपने क्रीज एरिया से थोड़ा नीचे अप्लाई करूँगी इस शेड को. पहले मैं थिन ब्रश की हेल्प से जो लाइन है वो ड्रॉ करूँगी एंड मैं इसके पास फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको क्रीज एरिया में ही ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. एंड मैं थिन ब्रश से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ये आई शेडो बिकॉज इससे क्या होता है, हमारा जो आई मेकअप है वो मैसी नहीं होगा. जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं आई शेडो, आपके उसी एरिया में ही अप्लाई होगा. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्लू आई शेडो, ये वेट एंड वाइल्ड का है और मैं सेम ब्रश की हेल्प से इसको अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर लूँगी. और मैंने मेरे सूट का कलर नेवी ब्लू है, सो इसलिए मैंने ये आई शेडो सेलेक्ट किया है. सो आप अपने ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड्स अप्लाई चूज़ कर सकते हैं. मैं ये गोल्डन शिमरी आई शेडो अपने आईलिड एरिया पर अप्लाई करूँगी और मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको अप्लाई कर लूँगी. और इस तरह से आप कट क्रीज आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कंसीलर. नेक्स्ट
अपने लिप्स को। सो मेकअप करने से पहले आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। अब हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आई एम गोना हाईलाइट माई फेस। उसके लिए मैं ये पिंक शिमरी आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरी ड्रेस में ये शेड है पिंकिश शेड, तो मैं इससे ही अपना फेस हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिक्विड लिपस्टिक एंड मैं इस लुक के लिए 2 शेड्स अप्लाई करूँगी। सो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक इन शेड 08 और इसके बाद मैं जो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैंने वो लोकल मार्केट से परचेज की थी। सो मैं आपको उसका शेड नंबर नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रांड की नहीं है। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो अवेलेबल है, आपके ड्रेस कोड से मैच करता है, आप वो शेड यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा मेकअप हो गया कंप्लीट। अब मैं सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। अब आते हैं हेयर स्टाइल पर एंड मैंने बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल किया। मैंने पिन्स बॉबी पिन्स यूज़ किए हैं अपने जो फ्रिंजेस हैं उनको सेट करने के लिए और मैं यहाँ पे क्रीम अप्लाई या आप सीरम जो भी हेयर सीरम होता है आप वो अप्लाई करके अपने बालों को सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने ड्रेस से मैच करते हुए इयररिंग्स डाल लिए हैं एंड इसके बाद हम करेंगे सबसे ज़रूरी काम जो न्यूली ब्राइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंदूर लगाना एंड दैट्स द फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।